हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल ज्ञान के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक तैयार कर सकते हैं और फिर इसे लोगों को सेंड कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके ग्रुप में ऐड होना चाहे वो डायरेक्टली उस लिंक का यूज़ करके आपके ग्रुप में ऐड हो जाए, आपको उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्हाट्सएप में जा रहा हूँ और यहाँ मेरा एक ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये टेक्निकल ज्ञान नाम से। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ ग्रुप इन्फो पर टैप करूँगा, उसके बाद ये जो ऑप्शन है ऐड पार्टिसिपेंट, ये इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद आप देखते हैं नीचे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स के नाम आ रहे हैं, तो अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा ऊपर देखेंगे तो एक अलग ऑप्शन भी दिखाई देगा आपको, इनवाइट टू ग्रुप विया लिंक नाम से, उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके ग्रुप की चैट का एड्रेस आ जाएगा और नीचे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है सेंड या व्हाट्सएप, यानी कि इसको आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं इस लिंक को। थर्ड ऑप्शन है वो कॉपी लिंक, वहाँ से कॉपी करके आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं, जैसे ईमेल, ट्विटर वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है ये भी शेयर का ही है, आप इससे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या है कि अगर आप चाहते हैं, आपने काफ़ी लोगों को ग्रुप का लिंक सेंड किया, अब आप चाहते हैं कि वो आपके ग्रुप में ऐड ना हो सके उस लिंक के थ्रू, तो आप रिवोक लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लिंक काम करना बंद कर देगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से सेंड टू व्हाट्सएप कर रहा हूँ और मैं यहाँ से अपने एक फ्रेंड को सेंड करता हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे व्हाट्सएप में। मेरा इस फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप चल सकते हैं क्योंकि मेरा रेडमी नोट 3 है, तो अगर आपके पास दो व्हाट्सएप नहीं चलते हों तो आप दूसरे फ़ोन में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सेम ही फ़ोन में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरे दूसरे व्हाट्सएप में लिंक आ चुका है। और अब जैसे ही मैं इस पर ज्वाइन ग्रुप करता हूँ तो ये लिंक चेक करेगा और ये देखिए ज्वाइन ग्रुप, अभी मैंने ज्वाइन ग्रुप किया तो अब आप देख सकते हैं यू ज्वाइंट। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप में जाकर के दिखाऊंगा, ये देखिए ये मेरा ग्रुप है और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ यू विकास ज्वाइंट यूजिंग दिस ग्रुप लिंक इनवाइट लिंक। तो इसका मतलब विकास मेरे ग्रुप में ऐड हो चुका है, मैंने उसे ऐड नहीं किया है। और अब मैं आपको बताता हूँ वो जो फोर्थ ऑप्शन था, फिर से हम ऐड पार्टिसिपेंट में ही जाएंगे। पहले मैं एक बार विकास को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ प्रोसीजर। अब हम फिर से ऐड पार्टिसिपेंट में जाएंगे, इनवाइट लिंक में जाएंगे। अब ये जो फोर्थ, ये तीन ऑप्शन तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सेम ही है अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन थोड़ा अलग ही मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते लिखा होता आर यू वांट टू रिवोक द इन ग्रुप इनवाइट लिंक टेक्निकल ज्ञान, इफ़ यू यस रिवोक दिस लिंक नो वन विल बी एबल यूज इट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इसका मतलब ये अगर मैं इसको रिवोक लिंक करता हूँ तो कोई भी बंदा इस लिंक के थ्रू, जिसके पास भी लिंक है, मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं, मैंने रिवोक लिंक कर दिया है, अभी रिवोक लिंक हो चुका है। अब मैं फिर से आपको दूसरे व्हाट्सएप में जाकर दिखाता हूँ, ये दूसरा व्हाट्सएप है और ये वो लिंक है जो मैंने सेंड किया था। अब मैं इसे ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं अब यहाँ लिखा हुआ रहा है कि अब आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं क्योंकि लिंक को रिवोक कर दिया गया है। तो अब कोई बंदा मेरे लिंक के थ्रू ऐड नहीं हो सकता। तो अगर मुझे फिर से लिंक क्रिएट करना हो तो सेम प्रोसीजर है, ऐड पार्टिसिपेंट और इनवाइट ग्रुप लिंक में जाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आप जान गए कैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तैयार करेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के आइकन को हिट कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।